एक तो मेरा आदमी नहीं है, पूरा बैल है बैल। इंसान सोचता है कि एक उसकी बीवी है जो फिकर में होगी, एक कॉल करके उसे इत्तला दे दूं, पर नहीं, ये कौन सोचे। ये क्या बातें कर रही हो तुम अपने आप से? अपने आप से कर रही हूँ? हाँ, अपने आप से चिल्ला के कौन बातें करता है। अम्मी, मुझे फिकर हो रही है कि क्या किया होगा उन्होंने पासपोर्ट और वकील का। मेरा बैल फोन नहीं कर रहा। सुनो, मेरे बेटे को ऐसा मत कहो, वरना ये गोभी मैं तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगी। अब मत कहना मेरे बेटे के बारे में कुछ। हाँ, मैंने बैल कहा अम्मी, और आपने सांड कहा। अब तो ठीक है ना? अब तो बता दे, अब तो ठीक कहा ना मैंने? चुप हो जाओ तुम, वरना सच में मार दूंगी मैं। चलो जाओ, इसे चूल्हे पे चढ़ाओ जाकर। उठो। सानिया, सानिया! अम्मी उठे, छापा पड़ गया। आराम से, खैरियत तो है ना? पीछे हट जाओ। दाहिर की जो हरकतें हैं ना, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अच्छा किया तुम लोगों ने। आओ आओ दोगली, तुम भी आओ और फितना तुम भी अंदर आओ। मेरी प्यारियों, तुम्हें चप्पल भी दूं क्या? तौबा तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह, तुम लोग इतने बौखलाए हुए क्यों हो? अच्छा तो हम बौखलाए हुए हैं? बौखलाया हुआ तो तुम्हारा बेटा है सानिया बीबी, तुम्हारा बेटा। आप जरा तमीज से पेश आए, जब किसी के घर में आते हैं तो आराम से बात करते हैं, खासकर जब आपके साथ कोई और भी हो। मुझे तो आप लोगों की बातें समझ ही नहीं आ रही हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो बेटा? क्या मतलब है आपका? अरे नाजिया से पूछो ना, नाजिया ने तो अपनी आँखों से देखा है उसे। ओहो, इसने देखा, इसके कहने से क्या होता है। सानिया तमीज से बात करो। तुम चुप करो। देखो बहन, जैसा तुमने सुना वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है, तुम बताओ। अरे माँ बेटे ने पासपोर्ट के लिए तस्वीर बनवाई है ताकि ताहिर के साथ मिलकर रूस भाग सकें। अरे मेरी बहन, तुम भी किसकी बातों में आ रही हो? यकीन करो ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी बातें तुम्हारे जहन में इसी ने डाली है ना? इसके शौहर के पास ही आए थे वो तस्वीरें बनवाने। तुम क्यों इसकी बातों का यकीन कर रही हो? ये तो है ही एक नंबर की झूठी औरत, इसका तो काम ही है झूठ पे झूठ बोलना। बात सुनो, दरअसल नफीसा अपने जालिम शौहर से भाग रही है। वो उस पर बहुत जुल्म करता है, यहाँ तक के हाथ भी तोड़ दिया उस बेचारी का। वो लड़की इसी वजह से तंग आकर उससे भाग रही है। सिर्फ ताहिर नहीं, हम सब लोग उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मदद कर रहे हैं। तो क्या सब ऐसे ही बातें बना रहे हैं? अरे मेरी बहन, तुम इतना मत सोचो। वो देखो जरा तुम्हारी बेटी का कैसा चेहरा उतर गया है। अरे आप फिक्र ना करें, मेरा ताहिर उस लड़की के साथ नहीं भागेगा। मैं जानती हूँ अपने बेटे को, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। चलो चलो, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ के आती हूँ। चलो चलो, छोड़ कर आती हूँ मैं तुम्हें। आसिया मेरे साथ आओ, गेट खोलने में मेरी मदद करो। खोल दिया है अम्मी। चलो, खुल गया गेट। आप लोगों को तमीज नहीं है? अरे जाओ यहाँ से तुम, चलो जाओ यहाँ से, बड़ी आई सच बोलने वाली। फितना फसादन, भागो नाजिया खाला, भागो। भागो फितना, भागो। अम्मी आपने तो हैरान कर दिया मुझे, कैसे आपने नफीसा को बचाया? उसका शौहर मारता है और उसका छोटा बच्चा है वगैरह, आफरीन है अम्मी। ज्यादा हैरान ना हो, और क्या कहती मैं, उस औरत ने मेरे बेटे को तो अपने कब्जे में कर लिया, तो क्या ये बात कहती मैं उनको? तुम्हारे पास तो जरा भी दिमाग नहीं है। चलो मेरे साथ, चलो अंदर चलो। आओ मेरी बहन आओ, चलो आओ वहां चल के बैठो सोफे पे। आसिया चलो तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, आज रात हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। अरे नहीं बस रहने दो, छोड़ो मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा, हटो। अरे मेरी बहन रुक जाओ ना, खाना खाकर जाना, ऐसे नहीं जाने दूंगी। देखो मैं आप लोगों को सारी बात बताती हूँ, आप लोग बैठो तो सही। बेटा मरजान आओ, बेटा तुम भी बैठो। जी जी बैठे आप लोग, मुझे काम पर जाना है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। देखो मेरी बहन, अब मैं सारी बात तुम्हें सुकून से बताती हूँ। कल मेरा बेटा उस लड़की को वापस भेज देगा, उसने ताहिर से कहा है इन दोनों की तस्वीरें बनवाने को, फिर उनका पासपोर्ट बनेगा और वो यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे।